हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम हमारा आपको लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको 4 बजे डेली लाइव क्लास मिल रही है, और आप यहाँ पर वीडियो आप जाके स्टेनो मास्टर में एक्यूरेसी की वीडियो भी आप देख सकते हैं, और शॉर्ट इंग्लिश के जो वर्ड हैं जो आ जाते हैं वो आप लोग स्टेनो इंग्लिश में बनाते हो, जो कि स्टेनो में बनाना है वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। 3 2 1 रेडी स्टार्ट। मान्यवर मंत्र, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि 17 अप्रैल से 6 महीने तक के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। पूर्ण विराम। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार आज यह जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की वर्तमान 6 महीने की अवधि 16 अप्रैल को समाप्त होने जा रही है। पूर्ण विराम। उच्च न्यायालय में यह मामला लंबित है, इसलिए इस मामले को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है। पूर्ण विराम। आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को पूर्व में निरस्त कर चुका है। पूर्ण विराम। फिर इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जहां पर यह मामला विचाराधीन रखा गया है। पूर्ण विराम। पैरा चेंज करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा को भंग ना करके वहां सरकार के गठन की संभावना को पता लगाए। पूर्ण विराम। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव कल सदन में पेश किया जा सकता है, और यह बड़े खेद की बात है कि संसद का सत्र 20 मार्च से 1 महीने के लिए स्थगित होने जा रहा है। पूर्ण विराम। इसलिए मंत्रिमंडल ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि का फैसला बढ़ाने का आज ही कर लिया है। पूर्ण विराम। सूत्रों के अनुसार यदि इस दौरान उच्चतम न्यायालय का कोई आदेश प्राप्त होता है तो उस निर्देश पर कार्रवाई करने को भी सरकार तैयार रहेगी। पूर्ण विराम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के बाद किसी राजनीतिक पार्टी या गठजोड़ द्वारा सरकार बनाने में विफल रहने के कारण गत वर्ष अक्टूबर में राष्ट्रपति शासन लागू किया था। पूर्ण विराम। अब वहां सरकार का गठन किया जा चुका है। पैरा चेंज करेंगे। आज रक्षा मंत्री ने कहा कि देर सवेर भारत और चीन को परमाणु शक्ति से जुड़े मुद्दों पर आपसी विश्वास का माहौल पैदा करने की दिशा में बातचीत करनी चाहिए। पूर्ण विराम। इस सिलसिले में परमाणु परीक्षण के बाद से दोनों के बीच बातचीत में कुछ ठहराव आ गया था। पूर्ण विराम। इसी ध्येय को लेकर चीन ने के साथ कुछ प्रारंभिक बातचीत शुरू करने पर विचार विमर्श चल रहा है। पूर्ण विराम। उन्होंने इस बारे में कहा है कि हमारी मूल चिंता का विषय भारत की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति है। पूर्ण विराम। इसी मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान के सामरिक संबंध इस विषय के दायरे में मापे जाने चाहिए। पूर्ण विराम। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई वार्ता लंबी खिंच जाने से हम तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों की ओर से बातचीत शुरू किया जाना एकमात्र सराहनीय कदम होगा। पूर्ण विराम। अमेरिका भी भारत से कुछ निश्चित अपेक्षाएं रखता है, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। पूर्ण विराम। जिस
चीज में हमारा हित ना हो उसको अस्वीकार किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम पैरा चेंज करेंगे, भारत एक बहुत बड़ा देश है। पूर्ण विराम यह किसी भी हालत में किसी से कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है। पूर्ण विराम हमारे देश के अंदर बहुत शक्तिशाली देश बनने की सभी क्षमता और संभावना मौजूद है। पूर्ण विराम भारत एक विकसित शक्तिशाली देश है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्ण विराम इसलिए अमेरिका को चाहिए कि वह भारत की सुरक्षात्मक चिंताओं को समझे और जो अपरिहार्य है उसे स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण विराम अमेरिका ने परमाणु और अनेक मुद्दों पर चीन के साथ पहले ऐसा ही कुछ किया था। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को यह समझना होगा कि दुनिया बहुध्रुवी जगत की ओर बढ़ रही है। पूर्ण विराम भारत उन ध्रुवों में से एक है। पूर्ण विराम अपने एक महत्वपूर्ण बयान में रक्षा मंत्री ने कहा है कि यदि उग्रवादियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जरिए प्रशासन में भागीदार बनाने का अवसर दिया जाए तो कुछ स्थानों पर इस विवाद का एक राजनीतिक समाधान खोजा जा सकता है। पूर्ण विराम स्टॉप।